Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. So guys, in today's video, as you have already read the title, so you must be aware of that, I'm gonna be reviewing a serum which is a very popular serum, and this is L'Oreal Paris Revitalift 1.5% Hyaluronic Acid Serum. सच बताओ, मैंने आज से पहले, मुझे 10 दिन हो गए हैं इस सीरम को यूज़ करते हुए. मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम है मैंने इस सीरम को ट्राई किया, और बहुत ही मार्केट में हाइप है इस सीरम के बारे में कि ये बहुत अच्छा वर्क करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है. लेट्स सी, तो मुझे भी ट्राई करना था और आई हैव दिस स्मॉलर वन. मेरे पास इसकी बड़ी बॉटल नहीं है. मुझे चेक करना था कि मेरी स्किन पे क्या फ़र्क आता है, मेरी स्किन पे कुछ मतलब क्या चेंजेस आते हैं इसको लगाने के बाद. So I'm gonna be sharing all my experience with you guys, and this is a non-sponsored video, so I'm gonna be reviewing this serum in detail. Okay, now talking about this serum, the packaging. First of all, the size, it comes in two sizes, 15 ml and 30 ml. जो मेरे पास है, that is 15 ml. Okay, और 10 दिन से मैं use कर रही हूँ, और बहुत ही थोड़ी सी quantity लगती है आपके face पे, ज़्यादा नहीं लगता. आप इस सीरम को मॉर्निंग में एज वेल एज नाइट में यूज कर सकते हो. बट इस सीरम के बारे में मैं बताऊं, उससे पहले हम बात करते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स की जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. ठीक है, हमें ना गाइस, हमें क्या होता है, हमें एक ऐसी स्किन चाहिए होती है जो बिना मेकअप के, बिना हाइलाइटर के हमारी स्किन जो है फ्लॉलेस दिखे, हाइड्रेटेड दिखे, मॉइस्चराइज दिखे, एज वेल एज शाइनी दिखे. मतलब लगना चाहिए कि हाँ भाई, कोई दूर से हमारी स्किन शाइन करनी चाहिए, अच्छे से ग्लो आना चाहिए, भाई ये कहूंगी. क्योंकि हाइड्रेटेड स्किन और डिहाइड्रेटेड स्किन में बहुत फर्क होता है. आपको पता चल जाता है कि आपकी स्किन बहुत डल लग रही है. ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि हमें चाहिए होती है एक हेल्दी लुकिंग स्किन, हेल्दी ग्लोइंग स्किन. और जो भी हम कोई स्किन के प्रोडक्ट्स लगाते हैं ना, हमें उसमें इंग्रेडिएंट्स अच्छे से चेक करने चाहिए कि कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे स्किन पे वर्क करेंगे. एक इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, वो है हाइलुरोनिक एसिड. यस, हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, इट्स अ मॉलिक्यूल दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन अवर स्किन. हमारे स्किन में होता है, बट एज के साथ साथ जैसे हम बड़े होते हैं ना, जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे ही वो जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे स्किन में कम हो जाता है. 20 से अबव, 20 मतलब पार होते ही ना, आपकी स्किन जो है, आपकी स्किन को ना कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है जो आपकी स्किन को हेल्दी रखे, ग्लोइंग रखे. और हाइलुरोनिक एसिड जो है ना, दैट इज़ वेरी गुड एट रिटेनिंग वाटर. अगर आप बात करो ना, लाइक हाइलुरोनिक एसिड, 1/4 teaspoon ऑफ हाइलुरोनिक एसिड इज इक्वल टू 1.5 gallons ऑफ वाटर. सीरियसली, मतलब इतना अच्छा वो वाटर को रिटेन, मतलब वाटर रिटेंशन इतना पावरफुल है ना इसमें. तो अगर आप खुद सोचो कि इतना ज़रा सा अगर हाइलुरोनिक एसिड, उसमें इतना सारा वाटर है, अगर हम कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लगाते हैं जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड एज अ मेन इंग्रेडिएंट है, तो हमारी स्किन पे क्या फ़र्क होएगा. मतलब हमारी स्किन कितनी हाइड्रेटेड दिखेगी, कितनी मॉइस्चराइज और कितनी वेल नरिश दिखेगी, मैं ये कहूँगी. तो देखा आपने, हाइलुरोनिक एसिड जो है वो कितना ज़रूरी होता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होना. और आप ये आज के बाद से ध्यान देना कि आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट अपने लिए लेते हो तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड जरूर हो. अब बात करते हैं सीरम के बारे में. इस सीरम में है, द मेन इंग्रेडिएंट इन दिस सीरम इज हाइलुरोनिक एसिड. तो ये अच्छे से आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा. इट हैज 1.5% हाइलुरोनिक एसिड. द टेक्सचर इज वेरी वेरी लाइट वेट. इट्स लाइक क्विकली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा. मेरी ऑयली स्किन है, इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. आपके कोई भी स्किन टाइप है, आराम से सीरम को लगा सकते हो. मेरी ऑयली स्किन है, तो सोचो इट्स वेरी लाइट वेट, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. आप इसको किसी भी सीजन में लगा सकते हो. एज वेल एज दिस सीरम, आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो कभी भी ड्राई फेस पे नहीं लगाते. जब भी आप अपना फेस वॉश करके आओ, तो उसके बाद टोनर से फेस में से एक बार अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लो. उसके बाद आपको हाइलुरोनिक एसिड लगाना है, सीरम को लगाना है. उसके बाद आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है विथ योर फेवरेट मॉइस्चराइजर एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हो, एंड देन सनस्क्रीन. सो हाइलुरोनिक एसिड का जो ये सीरम है, दैट शुड नॉट बी द लास्ट स्टेप, एज वेल एज दिस शुड नॉट बी द फर्स्ट स्टेप.
आपको अच्छे से अपने फेस को हल्का सा वेट करना है विद टोनर और फेस मिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद आप इस सीरम को लगाओ। नाउ आई शेयर माय एक्सपीरियंस, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ कितना ग्लोइंग, मतलब इंस्टेंट आपके फेस पे ना ग्लो आता है, इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है, बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन यू विल सी इन द एप्लीकेशन पार्ट। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग फर्स्ट। बहुत ही स्लीक पैकेजिंग है, ट्रांसपेरेंट बॉटल में है, ट्रैवल फ्रेंडली है और साथ में आपको एक ड्रॉपर मिलता है विच मेक्स इट वेरी ईजी टू यूज़। नाउ दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट सीरम विच हैज़ 50 टाइम्स स्मॉलर माइक्रो हाइलुरोनिक एसिड फॉर डीपर पेनिट्रेशन। इट इंटेंसली हाइड्रेट्स, स्मूथ्स एंड रीप्लम्प्स स्किन टू रिड्यूस फाइन लाइन्स बाय लेस देन 60%। नाउ दिस सीरम इज़ वेरी लाइट वेट and it is also non-sticky which makes it suitable for all skin types। मेरी oily skin है, मुझे काफ़ी अच्छे से suit हुआ। एज वेल एज जैसे ही आप इसको लगाते हो ना, इस सीरम को लगाने के बाद ना आप खुद ऑब्जर्व करोगे एक इंस्टेंट बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन, स्किन पे ना एक अच्छा सा ग्लो आता है, फ्रेश लगती है स्किन, हाइड्रेटेड लगती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है हाइड्रेटेड स्किन। सो गाइज एज यू हैव सीन इन द एप्लीकेशन की जैसे ही मैंने सीरम को लगाया ना, कैसे मेरी स्किन एकदम से इंस्टेंट ग्लोइंग लग रही थी, प्लम्प लग रही थी, एज वेल एज एकदम से ना इट गिव्स एन इंस्टेंट बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़े से ही सेकंड्स के बाद वो इंस्टेंटली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ भी ऑयली ग्रीसी नहीं लगता। इट हैज़ नो फ्रेग्रेंस, सबसे अच्छी चीज़ है। मुझे आजकल कुछ ऐसे स्किन के प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगे हैं जिसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती, लाइक फ्रेग्रेंस फ्री होना बहुत ज़रूरी है स्किन के प्रोडक्ट्स में, अदरवाइज अगर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस हो ना तो बिल्कुल भी लगाने का मन नहीं करता प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इट कैन बी यूज्ड इन द मॉर्निंग एज वेल एज नाइट। अब रात को भी इस सीरम को लगा सकते हो, मुंह धोने के बाद टोनर लगाओ, उसके बाद इस सीरम को लगाओ और थोड़ा सा नाइट जेल या नाइट क्रीम लगाओ एंड दैट्स इट। सो आई एम गोना बाय द बिगर वन एंड आई विल से दैट दिस इज अ मस्ट बाय, आप इसको खरीदो। और अगर आपकी एज 20 प्लस है ना तो जरूर हाइलुरोनिक एसिड को अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आप चेक करो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हाइलुरोनिक एसिड हो, किसी भी फॉर्म में हो। सो गाइस दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, काफी अच्छे से मैंने इस सीरम को समझाया बताया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दो और अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, bye-bye.